खंडवा के रोहिणी गांव में वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस, वन विभाग और राजस्व के अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। अतिक्रमण करने वाले वनवासी कार्रवाई का विरोध करते हुए संयुक्त टीम को आपत्तिजनक शब्द कहते सुनाई दिए। हालांकि पुलिस और वन विभाग के अमले ने घेराबंदी करते हुए अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा और करीब 90 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई में 30 टप्पर भी तोड़े गए। करीब 200 से अधिक वन विभाग कर्मियों और पुलिस के अमले ने ये कार्रवाई अंजाम दी। एक संयुक्त अभियान है जिसकी हम लोग पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे थे। वन विभाग, पुलिस और राजस्व का अमले की संयुक्त कार्रवाई थी। लगातार ग्रामीणों की ओर से भी एक अनरेस्ट और कानून व्यवस्था के उल्लंघन की सूचनाएं थी, क्योंकि ये लोग बाहर से ऑर्गेनाइज्ड वे में लाए गए थे। कुछ लोगों के ग्रुप थे जो खरगोन, बड़वानी, झाबुआ जिलों से लोगों को सुनियोजित रूप से यहाँ बसा रहे थे, जिससे आसपास के गाँव की भी शांति भंग हो रही थी। उसके अनुसार एक बड़ी तैयारी करके और इस अभियान को विफल किया गया है। और निश्चित रूप से उनके घर बने हुए हैं, वो यहाँ रह रहे हैं और एक बड़ी संख्या में लगातार जंगल काटा जा रहा था, तो उनके जो निहित हित हैं वो प्रभावित हुए, तो विरोध तो हुआ ही, लेकिन उसको बातचीत से, शांतिपूर्ण तरीके से और बिना किसी वायलेंस के हल किया गया और वो लोग अंततः यहाँ से चले गए हैं और हम लोगों ने ये फिर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दोबारा से यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए क्या प्रयास? वन विभाग ने, वन विकास निगम ने एक बड़ी कार्य योजना इसमें तैयार की है। यहाँ कुछ जल संरचनाएँ तैयार की जाएंगी और वानिकी विकास किया जाएगा, जिससे कि ये पुनः जंगल के रूप में। खंडवा के रोहिणी में आदिवासी समाज के लोग अतिक्रमण कर सरकारी जमीन पर खेती कर रहे थे। अतिक्रमणकारियों ने वहीं अपने रहने के लिए टप्पर भी बना लिए थे। इसकी जानकारी लगने के बाद पुलिस, वन विभाग और राजस्व की टीम भारी दलबल के साथ रोहिणी वन परिक्षेत्र में पहुंचे और कार्रवाई की। अतिक्रमणकारियों ने कार्रवाई का विरोध किया। महिलाएं विरोध करने में सबसे आगे रहीं और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट।